हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक दैट्स अ बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन। कि बायोटेक के किस किस तरह से एप्लीकेशन होते हैं मेडिसिन के अंदर। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंसुलिन के बारे में कि जेनेटिकली प्रोड्यूस इंसुलिन किस तरह से बनाया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि हुमेन के अंदर जो इंसुलिन होता है, हुमेन का जो इंसुलिन होता है, हुमेन का इंसुलिन जनरली प्रोड्यूस किया गया है। हुमेन का इंसुलिन पहले हम क्या करते हैं, डायबिटीज पेशेंट के अंदर हम डालते थे फ्रॉम काउ पिग, इनसे हम क्या करते थे, इनसे इंसुलिन को निकाल के डाला जाता था हुमेन के अंदर, राइट। यानी किससे, काउ से, पिग से, इनसे निकाल के हुमेन को इंसुलिन दिया जाता इन द केस ऑफ डायबिटीज पेशेंट। लेकिन हमने क्या किया, हमने हुमेन की जो सेल्स होती हैं, यानी हुमेन की जो पेनक्रिया सेल और ये जो इंसुलिन पिग्स और काउ, इनसे जो निकाल के हुमेन को लगाया जाता था, ये कई पर्सन में क्या करता था, एलर्जी कोज करता था। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया, ये कई पर्सन में एलर्जी कोज करता था, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने हुमेन की जो पेनक्रिया जो सेल्स होती हैं, जिसमें सेल्स को हम बोलते हैं अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, इन सेल्स से, अल्फा सेल और बीटा सेल्स होती हैं, इन सेल से डीएनए को निकाला गया। यानी अल्फा जो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और जो बीटा सेल्स होती हैं, स्पेशली जो बीटा सेल्स होती है, बीटा सेल से ह्यूमन को बी सेल बोलते हैं इनको, इन सेल से जीन को आइसोलेट किया गया, राइट। और उस जीन को फर्दर यहाँ पे पुट किया गया, यहाँ पे क्या किया गया, लेट्स सी, देखिएगा। देखो तो बीटा सेल को जो जीन है, यानी बी जीन को बोलते हैं, बी जीन को निकाल के ह्यूमन में इंसर्ट किया गया, ह्यूमन में इंसर्ट करने से बी सेल को इकोलाई बैक्टीरियम डाला गया और उसने क्या कर दिया, उसने इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, राइट। बी सेल से बीज निकाला गया, इकोलाई के अंदर डाला गया, इकोलाई ने क्या कर दिया, इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये जनरली ये ह्यूमन ने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ह्यूमन ने इस तरीके से बनाया है। और ये इंसुलिन को जनरली इसको कहते हैं ह्यूमुलिन, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमुलिन बोलते हैं इसको, यानी ह्यूमन का इंसुलिन क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन। और ये ह्यूमन के यूजेबल है, ये ह्यूमन इसको यूज कर सकता है। अगला हमने क्या यहाँ पे क्या किया है, अगले पोर्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या, इसको समझने के लिए आप समझिएगा। देखो इंसुलिन के लिए दो प्रोटीन होती हैं, एक होती है एपिपेप्टाइड चेन, दूसरी होती है बीपेप्टाइड चेन, एक होती है बीपेप्टाइड चेन। हमने यहाँ क्या किया, बीपेप्टाइड चेन और एपिपेप्टाइड चेन को, यानी एपिपेप्टाइड चेन और बीपेप्टाइड चेन को सी से जोड़ दिया। एक्चुअली हमारी बॉडी में क्या होता है, एपिपेप्टाइड चेन और बीपेप्टाइड चेन क्या करती है, सी पेप्टाइड चेन से जुड़ी होती है, सी पेप्टाइड चेन से जुड़ी होती है, राइट। और दोनों क्या करती है, जब ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन दोनों जुड़ती हैं सी पेप्टाइड चेन से, ये लिंकर होती है, इनसे ये होता है प्रो इंसुलिन, जो कि यूजेबल नहीं होता। जब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर से जब ये निकल जाती है, यानी कुछ इस तरह निकल जाती है, इसके बीच में क्या होता है, सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है यहां पर इस तरह से, इससे क्या बन जाता है, इससे इंसुलिन बन जाता है। तो ये है एक्टिव इंसुलिन। तो ह्यूमन ने यहां पे क्या किया, बी पेप्टाइड चेन ली और ए पेप्टाइड चेन, दोनों को मिला के क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। यानी सी पेप्टाइड चेन यहां से हट जाएगी, जो सी पेप्टाइड चेन यहां से हट जाएगी, इससे ये एक एक्टिव इंसुलिन बनेगा। क्या बनेगा, इससे एक्टिव इंसुलिन बनेगा। तो ये प्रोसेस थी ह्यूमन में इंसुलिन को प्रोडक्शन की।